हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जनाब, तो आई थिंक आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस होंगे कि मुझे कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन मेरी स्किन टाइप के लिए सही है, इफ़ आई हैव ऑयली स्किन, इफ़ आई हैव ड्राई स्किन, इफ़ आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन। और दूसरा सवाल कि मुझे सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए और मुझे सनस्क्रीन किस एज से लगाना स्टार्ट करना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन कि सनस्क्रीन क्या लड़के लगा सकते हैं। So I am here to answer all these questions. So let's get started. So the first question is, सनस्क्रीन हमें लगाना क्यों चाहिए? बेसिकली हम जब सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो सनलाइट की दो हार्मफुल रेज होती हैं, UVA एंड UVB, कलेक्टिवली कॉल्ड एज UV रेज। वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो हमें उससे बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना चाहिए। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि मैं सनस्क्रीन कब लगाऊँ। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, आई मस्ट टेल यू, कि सनस्क्रीन केवल जब मैं सन के एक्सपोजर में जाऊँ तो ही लगाऊँ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू आर सिटिंग एट होम, यू शुड ऑल्सो अप्लाई सनस्क्रीन एट दैट टाइम। अब हम कैसे, हाँ एक सोल्यूशन मैं दे सकती हूँ कि क्या करो अगर आप घर पे हो, रिलैक्स करो, इवन इफ़ लाइक इफ़ यू आर इन ऑन वीकेंड्स, तो आप क्या करो, आप बेसिकली आफ्टर जब आप बाथ लो तो उसके बाद क्या करो, अपने डेली मॉइस्चराइजर के साथ थोड़ा सा सनस्क्रीन ले लो एंड देन यू शुड अप्लाई इट। थर्ड थिंग कि हमें सनस्क्रीन किस एज से अप्लाई करना चाहिए। देखो, यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर स्किन, चाहे वो आप किसी भी एज के हो। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू कॉलेज, इवन ऑफिसेस, यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि हम क्यों लगाएं सनस्क्रीन, वी हैव अ वेरी टफ स्किन और ऐसा वैसा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ गुड फॉर यू कि आप भी सनस्क्रीन लगाओ, बस बात इतनी है कि यू हैव टू चूज अ प्रॉपर सनस्क्रीन फॉर यू, एट दैट आई विल टेल यू। तो हम स्टार्ट करते हैं इन द सीरीज ऑफ सनस्क्रीन्स। आई एम टेलिंग यू अबाउट द लोटस सनस्क्रीन, जो कि तीन वेरियंट में आती है, in SPF 30, in SPF 40 and in SPF 50. I have all these three with me and I will show you one by one. Now starting with the SPF 31. ये है लोटस का सेफ सन 30 SPF सनस्क्रीन, जो कि इसमें लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। क्योंकि मैं इसका रीज़न बताती हूँ आपको कि ऑल स्किन टाइप के लिए क्यों है, क्योंकि क्या है ना, इसका जो टेक्स्चर है, आई विल शो यू, सी इसका जो टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल जो आपकी नॉर्मल क्रीम्स होती है ना, उसके जैसे टेक्सचर है इसका। इसलिए क्या है कि इसको आप मतलब बेसिकली ऑल स्किन टाइप के लिए है। एंड या आई मस्ट टेल कि ये लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसको प्रॉपरली आपको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, स्किन के साथ जेलअप करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइटिश सा दिखता है, बट मैंने इसको यूज़ किया हुआ है तो आई नो दैट कि थोड़ी देर के बाद ये स्किन में सेटल हो जाता है, बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, तो इट्स गुड। और इसका बेनिफिट ये है कि पहली बात तो इसका टेक्सचर ऐसा नहीं है, जो टिंटेड टेक्सचर के आते हैं ना वैसा नहीं है, नॉर्मल क्रीम टेक्सचर है, तो आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट दैट मच ग्रीसी, थोड़ा सा है, क्योंकि ये ना ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा, क्योंकि हमारी जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है एंड जब मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया था तो कुछ टाइम बाद क्या होता था कि मेरी स्किन में थोड़ा सा ऑयल सा दिखने लगता था, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मेकअप तो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद बीबी क्रीम, तो मैं इसके साथ बीबी क्रीम लगाती थी, थोड़ी देर बाद मेरा स्किन थोड़ा ऑयली दिखने लगता था। तो इट इज़ गुड, बेसिकली इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड ड्राई स्किन, आई मस्ट से कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर हमारे पास सेकेंड आता है, दैट इज़ ये जो पहला वाला 30 था, ये भी हमें UVA एंड UVB प्रोटेक्शन देता था, एंड द सेकेंड वन इज़ लोटस सेफ सन 3-in-1 मैट लुक। ओके, ये डेली सन ब्लॉक है और इसका क्या है, मैटिफाइंग फिनिश है और ऑल्सो इट्स SPF 40। तो मैं इसका टेक्सचर अगर आपको दिखाऊं, तो इसका टेक्सचर कुछ, अगर मैं मतलब सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो इसका टेक्सचर जो है वो फाउंडेशन काइंड ऑफ आपका होता है, वैसा टेक्सचर है जैसे हमारे फाउंडेशंस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो अगर हम वो चीज़ देखें तो
ये मुझे मतलब बेसिकली ऑयली स्किन के लिए इट इज़ नॉट दैट मच गुड, क्योंकि क्या होता है ना ऑयली स्किन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनको पिंपल्स आ जाते हैं और उनको ये वाले क्रीमी टेक्सचर सूट नहीं करता है. तो ये जो मैंने आपको दोनों बताए, ये जो है ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो आप, और क्या बोलते हैं ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो. एंड या दिस वन बॉयज कैन यूज़, दैट इज़ SPF 30 आई एम सेइंग दिस वन बॉयज कैन यूज़ क्योंकि इसका क्रीम टेक्सचर है. बट ये वाला जो है ना जिसका टिंटेड टेक्सचर है, ये बॉयज़ के लिए आई डोंट थिंक कि इतना सूटेड होगा, क्योंकि इसका एक फाउंडेशन काइंड ऑफ फिनिश दिखता है चेहरे पे. आई डोंट थिंक कि बॉयज़ को दैट लुक विल सूट. तो ये बॉयज़ के लिए नहीं है. सो इट्स ओके, यू हैव दैट वन, यू कैन यूज़ दैट. And the last that I am telling you, this is a awesome sunscreen which Lotus has made till now. Very nice sunscreen. It is Safe Sun UV Screen Matte Gel. If you want, I can give the name of all these sunscreen in the description box. Please let me know in the comment section. And this is SPF 50. And this is, first I will tell you the texture of this sunscreen. Okay. So, see. This is a very matte gel formed sunscreen which has a very nice texture, very nice you can say that. ये बहुत जल्दी आपकी skin पे settle हो जाता है. And this is life savior for oily skin friends. I have a very oily skin और मैं बताऊँ, मैंने जब से ये sunscreen use करना शुरू किया ना, मतलब मेरी टेंशन ही ख़त्म. मुझे कुछ दूसरा, क्योंकि मैं पहले ना बहुत ज़्यादा सर्च करती थी कौन सा सनस्क्रीन लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा फिनिश लूँ. मैंने बहुत टाइप के सनस्क्रीन यूज़ किए, बहुत टाइप के. लेकिन जब से मैंने ये सनस्क्रीन स्टार्ट किया ना यूज़ करना, मैं आपको बता रही हूँ मैंने दूसरा कोई सनस्क्रीन लिया ही नहीं. आई नो बहुत सारे सनस्क्रीन हैं मार्केट में जो कि बहुत अच्छी, ठीक है, लेकिन ये जो सनस्क्रीन है ना पर्टिकुलरली मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट किया, बहुत ज़्यादा. तो ऑयली स्किन वाले, आई मस्ट टेल यू, यू कैन ट्राई दिस वंस, यू कैन ट्राई, यू मस्ट ट्राई एक्चुअली. ये बहुत अच्छा है, इसका मैट फिनिश है, नॉन ग्रीसी है. दूसरी थिंग कि इसका आपको टेक्सचर ना ऐसे लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है. एंड तीसरी चीज़ जो कि बहुत अच्छी है इसमें, इसको लड़के और लड़कियाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं. मतलब इवन दिस 31 हैज़ सम क्रीमी टेक्सचर, बट जो कि हमें कभी फेस में दिख सकता है. बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस मैट, दिस वन इज़ ऑसम. आप आराम से यूज़ कर सकते हो, एंड बॉयज़ गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हो. कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली ड्राई स्किन के साथ इसका क्या प्रॉब्लम होगा ना, कि ड्राई स्किन की स्किन को, क्योंकि ये लगने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा. तो इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि खिंचा खिंचा सा है. तो इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप SPF 50 ही लो, तो आप क्या करो कि इसको अपने मॉइस्चराइजर के साथ लगा लो, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो फिर आपको इसका टेक्स्चर सही रहेगा. इफ़ यू वॉन्ट एलोवेरा जेल ले लो, थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लो, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो. और आई डोंट नो कि दूसरी, सबकी स्किन अलग टाइप की होती है, तो सबकी स्किन पे ना रिएक्ट चीज़ें अलग तरीके से करती है. तो हो सकता है कि ये जो मैट वाला है, मे बी यू गॉट पिंपल, बट अकॉर्डिंग टू मी एज पर आई हैव यूज इनको, जो टिंटेड वाला है इसको लगाने के बाद आई हैव गॉट वन पिंपल रियली, दैट इज आई एम सेइंग. बट इसको लगाने के बाद मुझे कोई भी पिंपल नहीं आया पर्सनली, नथिंग, ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट्स. सो इट इज अ वेरी गुड थम्स अप. All three are very awesome, and from my side, it's awesome, very good thumbs up, no problem. So, यही ख़त्म होता है मेरा आज का रिव्यू. सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट. और हाँ, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यस, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें. बाय बाय.